वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर है उनका फर्स्ट पेपर जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनिमल डाइवर्सिटी टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन का। इसमें यहाँ पर वे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है इस बार एग्जाम में आने की। सो फर्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो फाइव किंगडम कंसेप्ट जो है वो आपका पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांच जगत अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो नोमन क्लेचर के जो मेथड हैं बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और इनके रूल्स यानी कि नामकरण की पद्धति और उनके नियमों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, जिसमें दो छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें सिमेट्री है और सिलोम है, दोनों के ऊपर बेसिक कंसेप्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर चार की बात करें तो इसमें क्लेवेज के जो टॉपिक हैं उनके जो प्रकार हैं ठीक है वो पूछ सकता है, क्लेवेज को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच, उद्विकास के सेक्शन में से हैं जो कि लैमार्क के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए उद्विकास के क्षेत्र में, और इसमें दो ही साइंटिस्ट हैं जो कि एवोल्यूशन के बेस पे थ्योरी दी है, लैमार्क और डार्विन। तो इनमें से लैमार्क जो है वो मोस्ट रहने वाला है, बाकी अगर आप सेक्शन सी कम्प्लीट याद कर रहे हो तो आप डार्विन भी इसको प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छः, प्राकृतिक वर्ण को स्पष्ट कीजिए यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर सात, ये आपका सेक्शन ए में भी है और आपका सेक्शन सी में भी है, यानी कि मरु अनुकूलन डेजर्ट रो अडेप्टेशन है उनके बारे में कंप्लीट जो उनका वर्णन है वो पूछा गया है। इसके अलावा एक जो एवीज है उनके अंदर भी जो उनके अडेप्टेशन होते हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ, जैव विविधता किसे कहते हैं और इसके क्षरण के कारण वह संरक्षण और उपायों का वर्णन कीजिए ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है सेक्शन ए में से। क्वेश्चन नंबर नौ है, जो ओडियन अनुकूलन को स्पष्ट कीजिए यानी कि एवीज के अंदर या पक्षियों के अंदर हो सकता है, पक्षियों में पाए जाने वाले अनुकूलनीय विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, पैलियार्कटिक भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन कीजिए, जो आपके छः रीजन दिए गए हैं, पैलियार्कटिक, नियार्कटिक, नियोट्रॉपिकल, इथोपियन क्षेत्र, ओरिएंटल क्षेत्र और लास्ट जो आपका है ऑस्ट्रेलियन रीजन। उनमें से पैलियार्कटिक क्षेत्र जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है और हमारा इंडिया जो आता है वो ओरिएंटल क्षेत्र में आता है, सो यहाँ पर ओरिएंटल क्षेत्र भी क्या है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये ब्रीफ हिस्ट्री के रूप में पूछा गया है यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, महाद्वीप विस्थापन के ऊपर सेक्शन ए में इंक्लूड है और वेरिएशन आपका सेक्शन सी में है, हॉटस्पॉट ये भी आपका सेक्शन ए में है, इसके अलावा सेक्शन सी में है डायनासोर। तो ये चार यहाँ पर मोस्ट हिस्ट्री ब्रीफ हिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी में से, जीवों के वर्गीकरण के आधारों का वर्णन कीजिए यानी कि एनिमल को जो डिवाइड किया गया है वो किन किन बेस से किया गया है ठीक है। तो इसमें जितने भी बेस हैं आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन करने हैं और उनके बारे में यहाँ पर लिखना है, तब जाके आपको ये 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो पाएगा। ये आपके पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप 1 घंटा और 30 मिनट का एग्ज़ाम दे रहे हो यानी कि आपका वही 50% अटैम्प्ट करना है, तो उस बेसिस पे आपको इन 12 क्वेश्चन में से डेफिनेट 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे एज इट इज़ ठीक है। आपको करने कितने होंगे इसमें से 2.5 क्वेश्चन करने होंगे, सो आपके पास में 4 या 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप कोई से भी इनमें से कर सकते हो। ये आपके जो कम समय में लास्ट जो टाइम बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इनको ज़रूर से आप देख करके जाइए। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पेपर है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।